जिस तरह से मदर्स डे होता है, वैलेंटाइंस डे होता है, उसी तरह फादर्स डे भी हम मनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डे होते हैं वो सिर्फ एक डे नहीं होता है, बल्कि यू शो योर लव एंड योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर फादर, योर पेरेंट्स, 365 डेज ऑफ द ईयर। तो ऐसा है कि मैं बहुत मेरे लिए और ये सच कह रहा हूँ मैं, माय फादर इज़ रियली माय सुपर हीरो। वो जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है, जिस तरह से ये एक ये संस्कार है, ये आई एम ट्राइंग टू इम्बाइब दीज क्वालिटीज इन मी, कि सबसे पहले जो है वो गुस्से को त्यागना। आई हैव नेवर सीन माई डैड गेट एंग्री, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने मेरे डैड को कभी भी आवाज़ ऊंची करते हुए नहीं सुना है, ना मैंने कभी उन्हें कभी गुस्से में देखा, ना मैंने कभी उन्हें टेंशन में देखा। सो ये बहुत अहम क्वालिटीज़ है। देखिए, पैसा कमाना और फिर पैसों से खुशी, वो सब आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग माई फादर कि उनका बिजनेस जो है वो ठप हो गया था, उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया था, लेकिन ये बात कम से कम 6-7 सालों तक हम बच्चों तक पहुंची नहीं। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, और इसमें वो सहचारिणी जो हमारी मम्मी है, जो उनकी बीवी है, उसका भी उतना ही योगदान है। शी वॉज रनिंग द हाउस ऑन हर ओन, और हमें कभी पता नहीं चला कि अरे पापा के पास नौकरी नहीं है, बट वो कभी उनकी शक्ल पर नहीं दिखा। मतलब ऐसे चांसेस थे कि कुछ भला बुरा हो सकता था, लेकिन नहीं। वो उनका कहना ये है कि भैया, ज़िंदगी आपको एक बार मिलती है और उसे पूरी तरह से जियो, उसमें अगर आपके डाउनफॉल्स आते हैं सो हिम्मत हिम्मत रखो एंड फेस द सिचुएशंस, फेस द वर्स्ट चैलेंजेस। भागना ये सबसे आसान है, जो कभी नहीं करना चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख रहा हूँ मेरे डैड से और मेरे मम्मी से। सो यस, मैं मेरे लिए ये दो मेरे भगवान हैं।